हेलो गाइस, वेलकम टू द टीच मिस्टर महादेव चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेस्ट मोबाइल के बारे में, जो कि मोबाइल नेम है पोको X4 Pro 5G, जो कि काफी बेस्ट और क्लियर प्राइस में काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं, आपको ये मोबाइल किस लिए परचेस करना चाहिए, गेमिंग के लिए, डिस्प्ले के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ऑल ओवर सभी डिटेल इसमें आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, उसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, प्ले द इंट्रो। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पोको X4 Pro 5G मोबाइल के बारे में आपको बताते हैं, जो कि ये मोबाइल गर्ल्स को ज्यादा फेवर रहेगा क्योंकि ये मोबाइल का डिजाइन काफी बेस्ट है और बॉयज को भी अच्छा लगेगा, काफी बेस्ट लुक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं इसके डिजाइन के बारे में, जो कि इसका बैक होने वाला फुल ग्लास फ्रेम ग्लास, आपको ग्लास प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा, जो कि लुकिंग वाइज काफी बेस्ट मोबाइल होने वाला है। और बैक साइड की बात करें तो टॉप लेफ्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा और फ्रंट की बात करें तो सेंटर पंचोल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लुकिंग वाइज काफी बेस्ट है और ये वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, डस्ट प्रूफ के साथ आता है, तो आपको सेफ्टी भी काफी अच्छी मिलती है इस मोबाइल में। और इसके कलर की बात करें तो तीन कलर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि है ब्लू, ब्लैक एंड येलो। तीन कलर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, लुकिंग वाइज काफी बेस्ट है, प्रोटेक्शन के साथ भी आ रहा है। तो इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी के साथ एमोलेड स्क्रीन, जो कि एमोलेड है तो कोई सवाल ही नहीं, काफी बेस्ट आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा स्क्रीन। 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा, 395 PPI पिक्सल डेंसिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86% है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि सेंटर पंचोल देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ बेजल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, हल्के हल्के चीर हल्के हल्के बेजल्स आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा, मल्टी टच के साथ आता है और 1200 nits की ब्राइटनेस, जो कि काफी ब्राइट हो मोबाइल होने वाला है, जो कि आप डे लाइट में आप कहीं भी कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो, इसका ब्राइटनेस काफी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। और HDR10+ का सपोर्ट है और Wide 1 L1 का भी सपोर्ट है, जो कि आप नेटफ्लिक्स पे सब पे आप HD में मस्त मजे ले सकते हो। और गेमर्स की बात करें जो कि स्क्रीन को मक्खन जैसे फील करना चाहते हैं, तो उसी के साथ मिल रहा है इसमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि काफी एक्सलेंट स्क्रीन का परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा डे टू डे लाइफ में और कंटेंट वॉचिंग में, अदर वर्क में जो डिस्प्ले पे वर्क होता है काफी बेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आते हैं इसके परफॉर्मेंस पे, जो कि इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट, जो कि 6 nm पे बना है, काफी बेस्ट आपको स्मूथनेस सभी कुछ आपको परफॉर्मेंस से मिलेगा। CPU की बात करें तो 2.2 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आपको मिलता है, जो कि दो कार्यो 660 का सपोर्ट मिलता है, तो CPU परफॉर्मेंस आपको एक्सीलेंट मिलने वाला है। GPU लवर की बात करें जो कि खासकर गेमिंग ग्राफिक्स की, तो Adreno 619 का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और LPDDR4X देखने के लिए मिलेगा, UFS 2.2 का सपोर्ट है, जो कि परफॉर्मेंस काफी बेस्ट आपको निकाल के देगा, जो कि हीटिंग का प्रॉब्लम आपको कम देखने के लिए मिलेगा, लैग्स का प्रॉब्लम आपको कम देखने के लिए मिलेगा, डे टू डे लाइफ में आपको बेस्ट गेमिंग देगा, बेस्ट स्मूथनेस आपको फील कराएगा, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस निकाल के प्राइस रेंज में काफी अच्छा देगा। बैक साइड की बात करें तो ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, 64 MP का प्राइमरी कैमरा, पहले तो इसमें ग्लोबली लॉन्च हुआ था 108 MP का प्राइमरी कैमरा, लेकिन एक इसका कैमरा क्वालिटी कम किया गया, जो कि 64 MP प्राइमरी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा, 8 MP Wide 1 L1 का सपोर्ट है, 2 MP का माइक्रो, जो कि कैमरा ठीक ठाक है, कैमरा जैसे कम किया गया है तो एक कम प्राइस में भी लॉन्च हो सकता है इंडिया में, तो पूरा डिटेल बताएंगे आपको। तो बात करते हैं इसके सेटिंग्स कैमरा फ्यूचर की, जो कि ऑटो फोकस के साथ आ रहा है, LED फ्लैश लाइट के साथ आ रहा है, इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो 9000x7000 पिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा, आपको काफी अच्छी खासी क्लियरिटी देखने के लिए मिल जाएगी, इसी के साथ ISO कंट्रोल SOD मोड HDR का सपोर्ट है, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टेस्ट टू फोकस का सभी का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि इनको 4K या 8K नहीं 4K दे दिए होते हैं तो काफी बेस्ट और आपको कैमरा क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता, अदरवाइज 1080 आप यूज करो।
जो कि फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा होने वाला है। सेल्फी काफी अच्छा खासा निकाल लेगा डेड लाइट कंडीशन में, जो कि 1080 30 fps पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ठीक ठाक है, डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा फ्रंट कैमरे से आपको। और आते हैं इसके बैटरी की तरफ, जो कि 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, बिग बैटरी है, एक दिन का बैकअप आप आराम से कर ले सकते हो। अगर आप गेमर हो, आपको मचाना है, जो कि 6 to 7 hours का ऑन स्क्रीन आपको टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, तो बैटरी भी आपको एक्सलेंट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगर आपका चार्जर खत्म हो जाता है जल्दी, तो 67 watt का फास्ट चार्जर इन बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 41 मिनट में आपका फुल चार्ज करके दे देगा, जो कि चार्ज यहाँ बैटरी की एक्सलेंट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यूएसबी टाइप सी के साथ आता है, 3.5 ऑडियो जैक, 3.5 mm जैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये स्टूडियो स्पीकर के साथ आ सकता है, और फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो जो कि डबल सिम स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट है, जो कि आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, दो सिम यूज़ कर सकते हो नैनो। और ये मोबाइल 5G होने वाले, तो 5G का सपोर्ट है, इसी के साथ वाईफाई ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, GPS है, NFC का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। USB कनेक्टिविटी की बात करें तो USB चार्जर आप यूज़ कर सकते हो, उसका फाइल ट्रांसफर करने में कनेक्ट कर सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 11 पे आ रहा है, 12 पे नहीं आ रहा है। हाँ गाइस, 12 पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एंड्रॉइड 11 पे आ रहा है, जो कि MIUI 13 पे आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा स्मूथनेस आपको फील करा देगा। और बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि अभी मैं बोला ना 108 मेगापिक्सल, अगर ये 108 मेगापिक्सल देंगे तो 25,000 के रेंज में मोबाइल जा सकता है, अदरवाइज 90 या 80 के प्राइस में आएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। आपको इसका प्राइस 25,000 के रेंज में जाएगा तभी जब इसमें डबल स्टूडियो स्पीकर आएगा, 4K रिकॉर्डिंग हो सकता है, या 108 मेगापिक्सल का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो 25 के रेंज में जाएगा। नहीं तो आपको जो स्पेसिफिकेशन बताया है इसमें, वो स्पेसिफिकेशन देख के 18 से 19 हज़ार में मोबाइल आपको मिल जाएगा। और वीडियो में आपको कुछ जानना है और कुछ नॉलेज चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो बना के दिखा दूंगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।